हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस डायरेक्ट। माय नेम इज गौरव पाठक। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो मैं आपको रोड मैप बता देता हूँ। इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर बन जाएंगे। बनना आपको ही है, पढ़ाई आपको करनी है, हम केवल रास्ता दिखा सकते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया में मेडिकल की एजुकेशन लेनी चाहिए या किसी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पूरा एक डेटा के हिसाब से बता देता हूँ। इंडियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट अगर उठा के देखेंगे तो 50 आप कॉलेज देख लीजिए, 70 पकड़ लो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम, इतने कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। यानी कि आपकी रैंक आती है 20,000 के अंदर तो आपको एक अच्छा सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा जहाँ पर फीस कम होगी। इसके बाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज में आप धीरे धीरे क्वालिटी का डिग्रेडेशन देखेंगे, और ऐसा होता भी है। आप अगर अपने आसपास के किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या सरकारी मेडिकल कॉलेज में घूम के आए हैं तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम जो कॉलेजेस दिखेंगे वहाँ पर आपको पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। अब ये सब मेडिकल कॉलेज के लिए बात सही नहीं है, लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी पहले बहुत से मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर चुकी है। उनको लगता है कि ये मेडिकल के पढ़ाने के लायक ही नहीं है। अच्छा, बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऐसे भी हैं जो कि किसी तरह से बॉर्डर लाइन पर जो भी रिक्वायरमेंट है उसको समझ के उतना पूरा करके अपना कॉलेज चला रहे हैं। फिर एक रिपोर्ट ये भी आती है, पहले कई बार सरकारी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कि ये पता चलता है कि यहाँ के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ फैकल्टी की भी कमी है। तो इन दोनों चीज़ों को ही आपको ध्यान में रखना होगा। और ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर मेडिकल कॉलेज अच्छे नहीं है, इंडिया के अंदर बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं, बट उसके लिए आपको 20,000 के अंदर रैंक लानी पड़ेगी। अगर आपकी रैंक मान लीजिए 20,000 नहीं है, 40,000 के अंदर है, तो आपको कोई प्राइवेट कॉलेज भी ऐसा मिल जाएगा जहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा, फैकल्टी पूरी मिलेंगी, लाइब्रेरी अच्छी होगी, लेबोरेटरी अच्छी होगी, क्लिनिकल रोटेशन भी अच्छा होगा। तो ये तो मैं बता रहा हूँ, उन 40,000 के अंदर आ गई तो ठीक है, 20 के अंदर आ गई अफोर्डेबल बजट में है, 40 के अंदर आ गई तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपका बजट भी अलाउ करता है तो आप प्राइवेट अच्छे कॉलेज में चले जाएंगे। इसके बाद की अगर आप कॉलेजेस देखते हैं इंडिया में तो पैसा तो ज़्यादा लगेगा ही अब प्राइवेट में जाते हैं तो, लेकिन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ भी ख़राब मिलेगा। लेकिन लाइन लगा के लोग खड़े रहते हैं कि कोई बात नहीं, जैसा भी है इंडिया के अंदर से हमको कॉलेज में एडमिशन तो मिल रहा है, फ़ायदा क्या है इसका? आज के समय में कोई फ़ायदा नहीं है, ये मैं आगे बताऊंगा। फिर जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ठीक से, जहां टीचर की कमी है, और ऐसे ऐसे सरकारी मेडिकल कॉलेज में अभी 4-5 साल पहले रिपोर्ट आई थी कि किसी एक मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की 50% कमी थी और उसमें एक प्रधानाचार्य जो प्रिंसिपल होते हैं वही नहीं थे, उनकी भी पोस्ट वैकेंट थी और बच्चों की पढ़ाई चल रही थी। अब ये सब चीज़ें जब आती हैं रिपोर्ट में तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपके लिए क्या बढ़िया ऑप्शन है। जो क्वालिफाइड डॉक्टर आप देख रहे हैं आज के समय में, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर, अच्छा सारे जो डॉक्टर बन के निकलेंगे तो ऐसा नहीं है कि सभी बहुत क्वालिफाइड हैं। आप बहुत से डॉक्टर्स को देखते होंगे जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उनकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हुई, वो किसी तरह से खींचतान के अपना हो गए डॉक्टर बन गए, डिग्री ले ली, आप MBBS की मिल जाती है, उसके बाद लाइसेंसिंग एग्जाम तो अभी तक देना नहीं होता है। तो इस वजह से भी बहुत से लोग इंडिया में मेडिकल कॉलेज लेने के चक्कर में रहते थे, कोई इंडिया में मिल जाए हमको, क्योंकि उसके बाद में हमको लाइसेंसिंग एग्जाम देना नहीं है। वर्ल्ड में छोटी छोटी कंट्रीज भी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद में लाइसेंसिंग एग्जाम रखती हैं, जो कि इंडिया ने अभी किया है, नेक्स्ट एग्जाम जो इम्प्लीमेंट हुआ है, ये बहुत छोटी छोटी कंट्रीज में बहुत पहले से है। उसका रीज़न क्या है? ये हेल्थ केयर का सवाल है। कोई व्यक्ति जाता है किसी हॉस्पिटल में, वो ये उम्मीद से जाता है कि मेरी कोई बीमारी है ठीक हो जाएगी, डॉक्टर को कुछ पता नहीं, उसने कर दिया इलाज, उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन आ गया। ऐसे केसेस रोज आप न्यूज में पढ़ते होंगे। तो डॉक्टर होना ही एक बात नहीं है, डॉक्टर क्वालिफाइड भी होना चाहिए, और क्वालिफाइड डॉक्टर के लिए मेडिकल एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। अब मेडिकल एजुकेशन अच्छी चाहिए और इंडिया में कॉलेज चाहिए तो ठीक है, 20,000 के अंदर आ गया सरकारी मिल जाएगा, 40,000 के अंदर रैंक आ गई तो आपको सरकारी और प्राइवेट में से कोई भी मिल जाएगा अच्छा खासा कॉलेज। उसके बाद में कितने कॉलेजेस हैं, अच्छा बहुत से लोग इंडिया में मिला हुआ कॉलेज छोड़ देते हैं। आप लिस्ट उठा के देखिए हर साल, तभी तो काउंसलिंग का राउंड 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3, फिर 4, उसके बाद मॉप अप राउंड, फिर पता नहीं कौन कौन सा राउंड, और उसके बाद भी रात लास्ट में रिपोर्ट निकलती है कि फला स्टेट में 6,000 सीट खाली हैं, फला स्टेट में 2,000 सीट खाली हैं, टोटल निकाल लो तो 15,000 सीट खाली हैं। तो नहीं लेते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स भी आज की डेट में समझदार हैं, उनको पता है कि यहाँ पर हमको
इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिल नहीं रहा, पढ़ाई अच्छी होगी नहीं, हम क्या ही सीखेंगे, इससे अच्छा है कि हम एक साल और ड्रॉप ले लेते हैं, तो या तो ड्रॉप लेते हैं या अब्रॉड चले जाते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज इंडिया में छोड़ देते हैं और अब्रॉड में जाते हैं और वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। ये तो बात हो गई कि भाई इंडिया के अंदर क्या सिस्टम है। बिल्कुल ये सरकार का काम है कि मेडिकल कॉलेजेस में जो भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको बढ़ाएं, नहीं तो ऐसी रिपोर्ट निकलती रहती हैं कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में निकलती हैं कि जो 1000 यूनिवर्सिटी दुनिया में पब्लिश करी गई हैं, इंडिया जबकि इतना बड़ा देश है उसमें से कोई यूनिवर्सिटी नहीं आती जो रिसर्च में बहुत आगे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम हो, रिसर्च पेपर निकलते हो, निकलते ही नहीं हैं, बहुत कम निकलते हैं। वहीं आप देखेंगे, आप चाइना को ही देख लीजिए, वहाँ की यूनिवर्सिटीज काफ़ी रिसर्च करती हैं, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च का काम वहाँ पर होता है। जब रिसर्च ज़्यादा होगी तो सीखने को ज़्यादा मिलेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेडिकल यूनिवर्सिटी लेने के लिए रशिया में जाते हैं, रशिया में एडमिशन हो जाता है। बहुत बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, एडमिशन आसान नहीं है, बट इंडिया रशिया के रिलेशन अच्छे हैं तो हो जाता है वहाँ पर। अब इंडिया के जब बच्चे वहाँ पर जाते हैं तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में देखते हैं कि वहाँ बड़ी बड़ी रिसर्च चल रही है, कैंसर की वैक्सीन वो बना रहे हैं, जीन रिसर्च का काम उनका चल रहा है, जेनेटिक थेरेपी उनके यहाँ डेवलप करी जा रही है, और भी 50 तरह की डिसीजेस के कंट्रोल के लिए वो पता नहीं क्या क्या रिसर्च का वहाँ पर काम कर रहे हैं। सीखने को ज़्यादा मिलता है। तो अब इंडिया में तो सिस्टम ये हो गया, देखिए कोई गार्जियन ऐसा है जिसको लगता है कि हमको नहीं भेजना अब्रॉड में, हमको इंडिया में ही करवाना है, हमें जो भी कॉलेज मिल जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, बोलो अपना अपना देख लीजिए, इंडिया में बहुत सीटें हैं, खाली भी रह जाती हैं, ऐसा नहीं है। आप मॉकअप राउंड में देखिए, आपको कॉलेज इंडिया में मिल जाएगा, कहीं कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में कॉलेज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सिंसियरली देखें और रिसर्च करके देखें तो जो कॉलेज आपको इंडिया में मिल रहा है वहाँ पर आपको क्या एजुकेशन की क्वालिटी मिल रही है। पैसा तो चलो मान लिया आपके पास बहुत है, आपने 20 लाख रुपए साल का, 30 लाख रुपए देने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके एवज में आपको जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिली, क्योंकि वो कल को तय करेगा आपके बच्चे का भविष्य, उसमें कितना क्वालिफाइड डॉक्टर बन सकते हैं। अब आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की यहाँ पर डिग्री उठा के देखिए, जो अब तो पब्लिक है, ये तो लॉ है कि हर डॉक्टर को अपनी डिग्री पब्लिक करनी होती है। आप किसी भी डॉक्टर का नाम डालिए, उनकी पूरी डिग्री आ जाती है कि उन्होंने कहाँ से क्या किया, कहाँ से क्या उनकी पढ़ाई हुई, लाइसेंस नंबर क्या है, कहाँ पर कौन सी काउंसिल में रजिस्टर्ड है। आप क्वालिफाइड सर्जन्स को देखेंगे ना, जब बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि अब बिल्कुल केस बिल्कुल बिगड़ गया कोई पेशेंट का, कि अब बहुत ख़राब है, आप इसको कोई हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही लेके जाना है, तब बड़े बड़े शहर के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें यहाँ देखते हैं, तो उन सर्जन्स की, उन डॉक्टर्स की, उन कंसल्टिंग डॉक्टर्स की, उनकी आप डिग्री उठा के देखिए, आपको लगेगा कि उन्होंने MBBS कहीं से किया है, इंडिया से किया, अब्रॉड से किया, उसके बाद MD की डिग्री उन्होंने ली होगी तो वो किसी फॉरेन कंट्री से या इंडिया से ली होगी। फॉरेन कंट्री के बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं PG में, क्योंकि यहाँ PG में भी सीट नहीं है, UG में तो है ही नहीं, PG में भी सीट नहीं है, जबकि कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा सीट इंडिया के अंदर है, लेकिन फिर भी आबादी के हिसाब से सीट्स की बहुत कमी है, PG में भी दिक्कत है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन कोर्स में जाएंगे तो सीट मिलना बहुत ही रेयर है। अब इसलिए जो क्वालिफाइड सर्जन्स की डिग्री आप देखोगे वो US से या फिर ऑस्ट्रेलिया से या UK से, जर्मनी से, जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं और उसके बाद में वहाँ भी लाइसेंसिंग एग्जाम क्रैक करके वहाँ भी उनके पास प्रैक्टिस करने का लाइसेंस होता है, इंडिया आते हैं। और कई बार क्या होता है कि बहुत सारे इंडियन डॉक्टर हैं वो 6 महीने US में प्रैक्टिस कर रहे हैं, 6 महीने इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर होना, उसके लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपका गैप कम होना चाहिए। आपका नीट में एक बार आपने गैप लिया 1 साल का, आपको ठीक है कोई कॉलेज मिल गया अच्छा, ठीक है नहीं मिला 2 साल 3 साल 4 साल का गैप लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इस बार आपने देख लिया 720 में से 720 नंबर लाने के बाद भी दिल्ली में एम्स कॉलेज नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा, क्योंकि सीट 45 है जनरल के लिए और 67 स्टूडेंट्स के 720 में 720 आ गए। देखते जाएंगे जो भी बड़े बड़े कॉलेजेस थे वहाँ भी सीट की बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ है, सीट्स की कमी है, स्टूडेंट्स कंपटीशन को क्रैक करके बहुत अच्छा स्कोर किया है। अब इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि धांधली है, वो जांच का विषय है, जो भी होगा आगे जो भी फैसला आएगा उसको देखा जाएगा, बट कंपटीशन बढ़ रहा है ये बात तो सबको पता है। नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि ऐसा ही कंपटीशन रहे, इससे ज़्यादा कंपटीशन हो जाए या इससे थोड़ा बहुत कम भी रहे, लेकिन फिर भी ओवरऑल आप देखेंगे तो एवरेज में कंपटीशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपने यहाँ 3 साल का गैप ले लिया, 4 साल का गैप ले लिया, आप खुश हो गए कि भाई 4 साल का गैप लेने के बाद अब मेरे को कॉलेज मिल गया अच्छा, ठीक है। आपने 4 साल गैप लिया, 5 साल की करीब पढ़ाई, 9 साल में आपने किया अंडर ग्रेजुएट का कोर्स, उसके बाद लाइसेंसिंग एग्जाम पास किया, 1 साल की करीब इंटर्नशिप,
इंडिया से अगर आप कर रहे हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद में इंटर्नशिप करने के बाद आपने प्रैक्टिस करने का लाइसेंस लिया, आपने एक आध साल प्रैक्टिस करी, उसके बाद पीजी को चले गए, या मान लो नहीं प्रैक्टिस करी सीधे पीजी को चले गए, आपने पीजी का 3 साल का कोर्स कर लिया, अब क्या रहा? 5 साल प्लस 1 साल इंटर्नशिप, 6 साल और 3 साल ये 9 साल, 9 साल तो आपके पढ़ाई में लग नहीं है पीजी करते हुए, इधर से आपने 4 साल का गैप ले लिया, 13 साल का गैप हो गया, डॉक्टर बनते बनते आपकी एज हो गई जाके 32-34, ये बहुत ज्यादा है। अगर इस बीच में कहीं एक आध साल का गैप और हो गया ना लाइसेंसिंग एग्जाम के चक्कर में कि भाई इस बार नहीं हुआ, या कोई रूल आ गया कोविड जैसी कोई बात हो गई तो इसमें एक आध साल का डिले हो गया, तो एज 35 पहुंच जाएगी। अब 35 पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और ऐसा नहीं है कि कोई भी डॉक्टर है बिल्कुल, आप भी जब कभी जाते हैं कोई सीरियस केस में, आपको कोई सर्जरी करवानी है और आप मान लो कि जाते हैं किसी नए डॉक्टर से करवाने में आपको भी थोड़ी सी दिक्कत हुई, पहले वो प्रैक्टिस करते हैं सीनियर डॉक्टर के अंडर में, तो वो 2-3 साल की इंटर्नशिप आपकी पीजी के बाद भी होगी, आप किसी सीनियर के अंडर में 1-2 साल तो देखोगे ही, उसके बाद आप क्वालिफाइड डॉक्टर बनोगे, आपकी प्रैक्टिस ठीक से चलते चलते 40 साल की उम्र हो जाएगी, तो कितने समय तक पढ़ोगे? 15 साल तक तो जाहिर सी बात है कहीं कहीं फ्रस्ट्रेशन भी होता है। जितना जल्दी आप किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हो पहला स्टेप यही है, इसको ही करना है। अच्छा, अब इसमें आप कहोगे कि क्या करें सीट नहीं मिल रही है, तो पहली बात यह है कि आप 1 साल का गैप ले रहे हो, बिल्कुल ले लो, 1 साल पूरी आपने नीट की तैयारी करी, एग्ज़ाम दिया, आपका स्कोर आ गया, आपको इंडिया में टॉप 40,000 के अंदर रैंक आ गया, अच्छा कॉलेज मिल गया, अगर प्राइवेट अच्छा मिल रहा है उसकी अफोर्डेबिलिटी है तो वहाँ चले जाइए, सरकारी अच्छा मिल ही जाएगा अगर 20,000 के अंदर रैंक है तो। आफ्टर दैट अगर नहीं मिलता है तो आप MBBS करने के लिए अब्रॉड चले जाइए, किसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप किर्गिस्तान चले गए, आपने सोचा कि भाई ठीक है कोई बात नहीं उज्बेकिस्तान चले जाते हैं, यहाँ नहीं, रशिया जाइए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाइए जिनकी एक लेगेसी है, 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है, जहाँ पर रिसर्च इतनी चल रही है कि आप देखेंगे कि अरे ये सब भी होता है मेडिकल में इंडिया के अंदर, तो क्या मतलब एक छोटा सा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोल रखा है, बोल रहे हैं 30 लाख की फीस लगेगी, फिर भी लाइन लगा रहे हैं बच्चे, उनको भी ठीक है कि भाई एक नहीं आएगा दूसरा आएगा, क्या हम रिसर्च और डेवलपमेंट पे यहाँ फोकस करें, 5 साल पढ़ाते हैं डिग्री देते हैं और उसके बाद चलने दीजिए जैसा भी, अगले साल नए बच्चे आएंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं इनको कर रहे हैं भाई मेरे को अच्छी बुरी से मतलब नहीं, मेरे को इंडिया में कॉलेज चाहिए, तो ऐसे तो फिर आप समझिए ना कि अब अगर आप रशिया जाते हैं तो आप देखेंगे कंपैरिजन में आपको समझ में आएगा कि क्या यूनिवर्सिटीज़ है, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, और मैं छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, रशिया में भी ऐसा नहीं है कि सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी होंगी, एक एवरेज लेवल ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बट उसमें भी कुछ का इतना अच्छा है वो ग्लोबल यूनिवर्सिटीज मानी जाती हैं। आप देखिए अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को, 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी देख लीजिए, आप रैंकिंग उठा के इंडियन एम्बेसी कह रही है कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं रशिया में, वर्ल्ड में आप अगर देखोगे तो टॉप यूनिवर्सिटीज में रशियन यूनिवर्सिटीज ही दिखाई देती हैं, कुछ वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज भी हैं बट इंडियन रशियन यूनिवर्सिटीज भी टॉप 100 के अंदर बहुत सारी आती हैं। फिर आप देखते हैं जो न्यूली जिन्होंने MBBS का प्रोग्राम डेवलप किया है 2013 से, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटीज भी ग्लोबल रैंकिंग में आ रही हैं कि भाई इनके यहाँ बड़ी रिसर्च का काम चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपके लिए MBBS अब्रॉड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बशर्ते आप साल में 5 लाख रुपए या इससे ऊपर का खर्चा कर सकते हो, क्योंकि इससे कम खर्चा अगर मतलब अगर अफोर्डेबिलिटी आपकी इससे कम है तो MBBS अब्रॉड आपको ऑप्शन नहीं है, फिर तो आप जाहिर सी बात है या तो नीट में बार बार रिपीट करोगे आपके लिए मजबूरी की बात हो जाएगी, या फिर आप कोई और प्रोग्राम करोगे। अगर MBBS में इंडिया में सीट नहीं मिल रही बार बार रिपीट मत करो, आप चले जाओ रशिया में। अब मैं आपको यूनिवर्सिटीज बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे अल्ताई को ले लो आप, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है अल्ताई में, 1991 या इवन इससे पहले भी कुछ ऐसे ग्रेजुएट होके आए हैं अल्ताई से जिन्होंने 91 में ग्रेजुएशन पूरी कर ली रशिया में पढ़ाई करते समय, उस समय आज से 30 साल पहले, तब से इंडियन स्टूडेंट जा रहे हैं, वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, हालांकि पहले रशियन में पढ़ाती थी, अब 2016 से इंग्लिश मीडियम का प्रोग्राम हो गया, अच्छी यूनिवर्सिटी है, अफोर्डेबल बजट में 27 लाख रुपए का खर्चा हुआ, यहाँ की 1 साल की मेडिकल कॉलेज की फीस है ये, 27 लाख में 6 साल का पूरा MBBS का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, हॉस्टल फीस भी इसमें इंक्लूडेड है, बाकी आपका खर्चा खाने पीने का होगा और जो भी आपका पॉकेट खर्च हो वो तो बराबर ही रहेगा, इंडिया में रहो चाहे रशिया में। ऐसे ही आप चले जाते हैं कोई दूसरे कॉलेज को देख लेते हैं, आपकी अफोर्डेबिलिटी और ज़्यादा है, आप कुर्स्क चले गए, कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बड़ी शानदार यूनिवर्सिटी है, वहाँ आप जाइए,
गजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी है, आप चले जाइए फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, उसमें 12 लाख रुपए फीस एनुअल से स्टार्ट होती है, बट आपको जो वहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी वो उसका कहीं कोई तोड़ नहीं है। तो एक तो चीज़ ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, जब आपको MBBS करने के बाद PG करना ही है और फिर स्पेशलाइजेशन का कोर्स करना ही है, उसमें भी 70% से ज़्यादा लोग फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज से करते हैं PG या उसके बाद, हालांकि वो अधिकतर जाते हैं तो वो यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं या फिर US में जाते हैं, कनाडा ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, इन कंट्रीज में अगर आपको जाना है तो जब जाना है ही आपको फॉरेन में तो आप पहले से ही जा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो बहुत मेरिटोरियस है उनके लिए बात कर रहा हूँ, और कुछ अपवाद भी होते हैं, कुछ लोग जो मान लो कि नीट क्वालिफाई आज नहीं कर पाए बट मेडिकल में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया और उसके बाद में फिर PG करने के लिए US चले गए, ऐसे भी केसेस आए हैं सामने। बट जनरली मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका स्कोर 650 है, आपको लगता है कि भाई नीट में चलो हमारा जो भी रहा है अच्छा स्कोर आया है और धांधली हुई है या पेपर लीक हो गया, कुछ भी बात है, मेडिकल सिस्टम यहाँ का अच्छा नहीं है, आप कुछ भी बात मानेंगे, आप MBBS अब्रॉड से करने जाइए, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप वहाँ से सीधे पढ़ने के लिए जाइए, प्लेब का एग्ज़ाम निकालिए, UK में जाइए, आप PG वहाँ से करके आइए, आप US चले जाइए वहाँ से PG करके आइए। नीट में क्वालिफाइड नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उनकी जिनका बहुत अच्छा स्कोर आया है, 650 650, जो बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर बन सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छा कैलिबर रखते हैं। आप MBBS करने के बाद में रशिया से अफोर्डेबल बजट में MBBS कर लीजिए और उसके बाद में आप जाइए सीधे US UK कनाडा करने के लिए, आपको नेक्स्ट एग्जाम भी पास करने की ज़रूरत नहीं है, हाथों हाथ आपको यहाँ पर बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे कि भैया आइए, आप हाथ जोड़ के निवेदन है, आप यहाँ पर प्रैक्टिस करिए, सीधे लाइसेंस मिलता है। ये आप समझ रहे हैं ना कि जब तक आपके अंदर कैलिवर की कमी है, आप सोच रहे हैं कि नहीं ठीक है कैसे करेंगे, बाहर जाएंगे, वहाँ नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो पास करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होगा, आसानी से हो जाए, तो आसानी से कुछ नहीं होता है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आप सिंसियर हैं, आप सीरियस हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करना चाहते हैं, क्वालिफाइड सर्जन बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल रास्ता खुला हुआ है, बार बार गैप लेने का कोई फ़ायदा नहीं, टॉप यूनिवर्सिटी में जाइए। और कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ठीक नहीं मिलेगा, आप वहाँ जाके कहोगे कि नहीं ये क्या कहाँ भेज दिया या कि कौन सी यूनिवर्सिटी रिकमेंड कर दी, हम आपको केवल वही यूनिवर्सिटीज बता रहे हैं जहाँ पर हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज हैं वर्ल्ड की, उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ओपन है। रशिया चूँकि इंडिया का एक बहुत फ्रेंडली कंट्री है इसलिए आसानी से एडमिशन हो जाता है, वरना अगर कोई वेस्टर्न कंट्री के लोग रशिया में अप्लाई करें तो उनको वीज़ा मिलना मुश्किल होता है। आपको क्या लगता है जितनी आसानी से इंडियन स्टूडेंट्स का रशिया में एडमिशन हो जाता है उतनी आसानी से किसी यूरोपियन कंट्री के स्टूडेंट्स का रशिया में एडमिशन होगा? बिल्कुल नहीं होता है, बहुत टफ होता है। आप अगर कहेंगे कोई US का अगर कोई स्टूडेंट है वो अगर लो फीस के चक्कर में रशिया में आ जाए पढ़ने के लिए, उसका एडमिशन हो जाएगा? बहुत मुश्किल होगा उसको। आसान होता है इंडियंस के लिए क्योंकि इंडिया रशिया नेचुरल अलाई है, आसानी से वीज़ा लग जाता है, ब्रिक्स का पार्ट है और बहुत सारी चीज़ें हैं, इस वजह से अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन है, अगर आपको अप्लाई करना है बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, आप सीरियस हैं, आप सिंसियर हैं, आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, फिर 6 साल आप पढ़ाई करेंगे, आपको पढ़ाई में अंतर समझ में आएगा, जो लोग विदेश से पढ़ाई कर रहे हों और जो लोग इंडिया से पढ़ाई कर रहे हैं, अब टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो कर रहे हैं उनके तो समकक्ष आपको पढ़ाई मिलेगी क्योंकि इंडिया में भी जाहिर सी बात है एम्स में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, दिल्ली वाले एम्स की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर जो और मौलाना आज़ाद कॉलेज हैं या कुछ कॉलेजेस जो टॉप रेटेड कॉलेजेस हैं वहाँ पर आप पढ़ाई करेंगे और उसके बाद में आप रशिया से अगर जा रहे हैं वहाँ पढ़ाई करेंगे तो वहाँ आपको एडमिशन नीट क्वालिफाइड होने पर भी मिल जाएगा और इंडिया में तो आपको फिर पता है कि क्या है, बहुत हाई रैंक लानी पड़ेगी उसके लिए, कई बार हो सकता है कि आपको 2-3 साल का गैप लेना पड़े, तो वो गैप लिए बिना सेम क्वालिटी के कॉलेज आपको रशिया में मिल रहे हैं वहाँ से MBBS करिए। तो जब नेक्स्ट एग्जाम सेम है और उस एग्जाम को सबको पास करना ही है तो फिर पता चल जाएगा कि कौन से स्टूडेंट के अंदर ज़्यादा कैलिबर है, तो यूनिवर्सिटी अच्छी सिलेक्ट करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इम्प्लीमेंट हो ही गया है, सेम चीज़ है, आप इंडिया से पढ़ाई करें अब्रॉड से पढ़ाई करें, तो मेरा तो यही कहना है कि आप बार बार गैप ना लें। आपको अगर इंडिया में कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है आप फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में चले जाएं, लेकिन ऐसा ना करें कि यहाँ आपको अच्छा नहीं मिल रहा वहाँ भी आपने लेट कर दिया वहाँ भी आपको अच्छा नहीं मिला, तो फिर फ़ायदा क्या रहा? वहाँ की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी की लिस्ट चाहिए मैं आपको दे देता हूँ, आप कमेंट कर दो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको जानना है, पूरी आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी, इसमें आप देख लीजिए। आप पहले तो विकिपीडिया पर जाके चेक कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी का इतिहास क्या है,
कोई यूनिवर्सिटी 100 साल पुरानी है, कोई 150 साल पुरानी है, कोई 200 साल पुरानी है, और ये यूनिवर्सिटी इतनी पुरानी ऐसे ही नहीं है, यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काफी ज्यादा प्रोग्राम भी चल रहा है। तो ऐसे में अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत अच्छी एजुकेशन मिलेगी, एक लेगेसी है इन यूनिवर्सिटीज की। अभी एडमिशन ओपन है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप इंक्वायरी कर लीजिए, जो भी टॉप यूनिवर्सिटी आपके लिए अवेलेबल होगी आपको बिल्कुल उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको कुछ भी कहना है तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।